हाँ शब्बीर भाई, आप कहाँ से बता रहे हैं? हाँ जी, हमें कुछ से आ रहा हूँ अभी। अच्छा, और मेरा 3 घंटे के अंदर आपने ट्रीटमेंट किया और आपने मुझे यहाँ से कम 100 मीटर तक मेरे को बाहर भेजा और हलो हलो बोला, मेरे को आवाज आ रही थी। बहुत बढ़िया, और आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मेरा कान दोनों अच्छे हो जाए सर। खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। बहुत दुआ करूंगा क्योंकि मैंने बहुत दवाई की, बहुत ही सारे इलाज करवाए, मतलब सब नाकामयाब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने अभी जो मेरे कान के अंदर जो ड्रॉप्स डाले हुए, उस ड्रॉप्स की वजह से अभी थोड़े मेरे कान के अंदर बहुत थोड़ा फर्क लगने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, और बस मैं भगवान से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि हर आदमी को आप ठीक कर सको, ये मेरी दुआ है आपके साथ। शब्बीर भाई साहब, हमने यहाँ पर आपकी बात सुन सकता हूँ। शब्बीर भाई साहब, हमने यहाँ पर, मैं 50 वर्षों से काम कर रहा हूँ। अच्छा, कम से कम लाखों आदमी ठीक किया। अच्छा, यूट्यूब और गूगल पर सबके वीडियो डाले हैं, सबके नहीं पर जो लोग ब्लेसिंग देते हैं। नहीं, मैंने आपका पहले वीडियो देखा यूट्यूब के ऊपर और मेरे को आप पे भरोसा हो गया, फिर मैं इधर आया आपके पास। और शब्बीर भाई साहब, आपने आने की हिम्मत की आज कुएं से यहाँ आना, हमारे पर विश्वास करना मामूली बात नहीं है। मैं एक ऊपर मेरे अल्लाह से विश्वास रखता हूँ और नीचे आप हो मेरे लिए। नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से, ऊपर वाले की मेहरबानी से हुआ, नहीं तो होता ही नहीं। मैं सच कहता हूँ, 3 नमाज का वेण है आपको, आप 3 नमाज एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ, आप सुना 3 नमाज एक्स्ट्रा पढ़वा देना। मेरे जैसे कई के बेरासपन वाले लोगों, आप और ठीक करो, मेरी दुआ है आपके साथ है। और मैं अल्लाह से भी यही दुआ करूंगा कि आपको ये कामयाबी के लिए बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में, बिना मशीन, बिना ऑपरेशन में, कान के दवाई डाल के, सुला के, लग्जूरियस ढंग से ट्रीटमेंट करके आपको ठीक किया है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है भैया। मेरा कुछ भी नहीं है, नहीं तो कान तो क्या कांगली अंगुली भी ठीक नहीं कर सकता। सही है, ये मशीन मैंने 30,000 का लिया, ये मेरे को बस ये है कि मैं जब तक कान में डाल रख सकता हूँ। नहीं, अभी मत डालिएगा, बिना सुनिए पहले 3 महीना बिना मशीन के सुनने का प्रयत्न करिए। बहुत जरूरी हो तो अभी मीटिंग में जाओ, कभी जरूरत हो तो लगाओ, नहीं तो मत लगाइएगा। बिना मशीन के आदत डालेंगे, पर्दे को आदत पड़ेगी वही सुनेंगे, जी मशीन से आदत पटक दी तो मशीन से पड़ जाएगी, बिना मशीन मत लगाइएगा बाबू। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और अभी देखा वो आपने जो दवाई दी है, ड्रॉप दिए, और वो तमरा बोलते हैं ना, उसकी दवाई दी है। तमरे के लिए बोलना बहुत लंबी दवाई चलती है, परंतु आपकी नहीं चलेगी, ऊपर वाले की मेहरबानी है आपके ऊपर, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। आप वहाँ पर जाकर कैंप लगाओ, दुबई बुलाओ हमको, वहाँ बुलाओ, जहाँ भी आपको काम वहाँ पर बात करो, गवर्नमेंट से बात करो, लिखो। मैंने आपका जितना भी यूट्यूब के अंदर था, आपका इंग्लिश के अंदर, वो सब मैंने फॉरवर्ड किया है, सब कुवैती को, जितने मेरे फ्रेंड है कुवैती उधर, मैंने सबको फॉरवर्ड किया है। आप इसका ट्रांसलेशन भी करवा सकते हो। बोलता भी हूँ, अगर चल भाई तेरा कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आऊँगा तेरे साथ, क्योंकि वो अरबी है, उसको तुम अरबी नहीं समझ सकते, मैं अरबी समझ सकता हूँ। हम वहाँ आके करेंगे ट्रीटमेंट, आप चिंता मत करिए। आप बोलोगे अरब में आके, अमिताभ में, अभी अरब में क्यों नहीं करेंगे, इंसान है, इंसान को तो इंसान चाहिए ना। सही है ना, अच्छे लोगों के लिए कोई डर नहीं है, खराब लोगों के लिए वहाँ पर डर है। ठीक है सर, खुदा हाफिज। आपका फोन नंबर बताएंगे क्या है मेरा, कुवैत का? हाँ, कहीं भी जहाँ आपको बात कर सकती है, लोग आपको पूछे तो बताना हो तो बताइएगा, क्योंकि फोन बहुत आएंगे, ज्यादा तंग हो तो मत बताना, क्योंकि बहुत फोन करेंगे लोग। 9165266। वापिस बोलिए तो। मेरा कुवैत का नंबर है 9659916526। वाह, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करे, ऊपर वाला खूब आपकी मेहरबानी रखे और हम सबको भी मेहरबानी रखाए। थैंक यू सर, बाय बाय। सामान्य स्थिति में जब सब कुछ ठीक चलता था तो पेशेंट को 3-4 घंटे के लिए यहाँ बुलाते थे, 1 घंटे में एक कान रेडी, दूसरे घंटे में दूसरा कान रेडी, कान में डालने की दवाई होती है, खाने की दवाई होती है, और उसी से हम बहरापन मिटाते हैं, और उसी के वीडियो यूट्यूब गूगल पे डाले हुए हैं।
वही की वही सारी ट्रीटमेंट आपको हम घर बैठे भिजवा रहे हैं और आपको वीडियो के द्वारा भी समझाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रीटमेंट यहाँ मिलने वाली थी वही ट्रीटमेंट आपको घर पर मिलेगी, फिर क्या चिंता है। आज कंगन को आरसी क्या, आपको कोरियर से दवाइयाँ टाइम पर मिल जाएगी और इन शॉर्ट दवाइयाँ मिलेगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृपा करके आने का आग्रह न रखें, समय बहुत कठिन खराब है, समय का सामना करो, आजकल वातावरण बहुत खराब है। प्लीज़ आने के अलावा दवाइयाँ घर बैठे मंगाइए। यदि ज़्यादा अविश्वास हो तो अभी मत मंगाओ, बाद में करवा लेना जब ठीक आपको लगे वातावरण ठीक हो गया, अच्छा महीने 12 महीने बाद में आ जाना। कान को ऐसी चीज़ हुआ है नहीं कि आजकल महामारी हो जाएगी, कुछ ही नहीं होने वाला है। आपको ट्रीटमेंट करानी है, घर बैठे दवाइयाँ मंगाओ, ट्रीटमेंट कराओ, दवाई ही है। दवाई देखिए, कान में खाली दवाई नहीं है, दवाई है, एक्सरसाइज है, थेरापी है, कपड़ थेरापी है, पॉइंट है और वर्म थेरापी है और आपके सिस्टम है उसकी, उसका वो क्या बोलते हैं, उसके विधान है, उसका समय है। उसके बाद में कान के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ है, अलग अलग विषय पर अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाई गई है। कम सुनने वाले को बेसिक सुनने वाले, सुनने के साथ में पेट की दवाइयाँ दी जाती है, राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है, पेट में दर्द है, पेट में नहीं है, टीनिटस है, कान में चक्कर आ रहे हैं और सुनाई कम दे रहा है, आवाज़ें आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे संसार असारा में क्या करूँगा। उन सब की बहुत सरल दवाइयाँ मित्रों, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सत्य कह रहा हूँ, कोई असत्य नहीं। आज की बात की बढ़ोत कर रहे हैं, यदि किसी को तकलीफ हो ज़्यादा हो तो वापिस संपर्क करो यार, हम तो आपको मदद में बैठे हुए हैं। हमने तो सिर्फ कफन बांध के बैठे हुए हैं कि हमारा कोई भी काम होगा वो जीवन मरण केवल कान के बहरापन मिटाने के लिए, कान की बहरापन की ट्रीटमेंट करने के लिए, हियरिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तन मन धन से कान के लिए ही समर्पित है।